दोस्तों, शरारती और नटखट जानवर की बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में बंदर का ही ख्याल आता है। हमें इसे पेड़ों पर उछलते कूदते देखा है, तो मदारी के इशारों पर करतब दिखाते हुए भी। कई फिल्मों में अपने कारनामों से इसने खूब हंसाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंदर जितना नटखट है उतना ही बुद्धिमान भी। ये अंकों को समझ सकता है, गिन सकता है और यहाँ तक कि गणित के कई सवालों को हल भी कर सकता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य बंदरों के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, विश्व में 14 दिसंबर को वर्ल्ड मंकी डे के रूप में मनाया जाता है। बंदर लगभग 50 मिलियन वर्षों से धरती पर निवास कर रहे हैं। ये प्रारंभिक प्राइमेट से विकसित हुए हैं। आपको बता दें कि बंदरों को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, पुरानी दुनिया के बंदर और नई दुनिया के बंदर। दोस्तों, नई दुनिया के बंदर अमेरिका में पाए जाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया के बंदर एशिया और अफ्रीका में। दोस्तों, नई दुनिया के बंदरों के 36 दांत होते हैं, वही अगर पुरानी दुनिया के बंदरों की बात करें तो उनके 32 दांत होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नई दुनिया के बंदरों के अंगूठा नहीं होते। स्क्वायरल मंकी और कैपुचिन्स ही नई दुनिया के बंदर हैं। दोस्तों, एप्स आकार में बड़े होते हैं और उनका सीना तथा कंधा चौड़ा होता है। साथ ही उनमें अपेंडिक्स पाया जाता है। जबकि बंदर आकार में छोटे होते हैं, उनका सीना संकीर्ण होता है और उनमें अपेंडिक्स नहीं पाया जाता। दोस्तों, लोगों का मानना है कि मनुष्य बंदरों से विकसित हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 25 से 30 मिलियन वर्ष पूर्व मानव और बंदर के पूर्वज एक ही थे। उस जानवर से ही मानव और बंदर विकसित हुए हैं। दोस्तों, बंदरों से जुड़े कुछ मजाकिया तथ्य भी हैं, जैसे मलेशिया और थाईलैंड में नारियल के पेड़ों से नारियल तोड़ने के लिए बंदरों को ट्रेनिंग दी जाती है। 2011 में पाकिस्तान में एक बंदर गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वह बॉर्डर क्रॉस करके भारत की ओर आ रहा था। बाद में उसको पास में ही पाकिस्तान में चिड़ियाघर में भर्ती कर दिया गया था। दोस्तों, जापान में एक रेस्टोरेंट है जहां बंदर वेटर का काम करते हैं। बंदर फूल पत्ते और छोटे मोटे कीड़ों को खाते हैं। दुनिया भर के बंदरों की 264 प्रजातियाँ होती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में बंदरों को वीर हनुमान का प्रतीक माना गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के लोग बंदरों को गोश्त बड़े चाव से खाते हैं। चीन में मरे हुए बंदर का दिमाग इन लोगों की पहली पसंद होती है। क्या आप जानते हैं कि बंदर ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसने इंसानों का डीएनए 98% तक मेल खाता है। दोस्तों, बंदर की सबसे बड़ी प्रजाति 1 मीटर लंबी और 36 किलोग्राम वजन वाली मैंडेल है। बंदर की सबसे छोटी प्रजाति सेबुला पिग्मिया है, जिनके सिर और धड़ की लंबाई 6.4 इंच और पूंछ की लंबाई 6.8 से 9 इंच होती है। दोस्तों, दुनिया का सबसे तेज प्राइमेट पैटस मंकी है, जो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। आपको बता दें कि सबसे तेज आवाज़ निकालने वाला बंदर हॉलर मंकी है। इसकी आवाज़ इतनी तेज है कि जंगल में लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है, और अगर झील जैसे खुले एरिया में अगर इसकी आवाज़ सुने तो 5 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनाई जा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि बंदर से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियों में इबोला रेस्टन, मंकी पॉक्स, येलो फीवर, सीमियन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस, ट्यूबरकुलोसिस है। इससे अतिरिक्त और भी अन्य बीमारियां हो सकती हैं जो अब तक पहचानी नहीं गई हैं। दोस्तों, एक अध्ययन से पता चला है कि मनुष्य में एचआईवी वायरस चिंपैंजी के माध्यम से पैदा हुआ था। एसआईवी वायरस से संक्रमित दो बंदरों रेड कैपेस मैंगाबे और ग्रेटर स्पॉट
नोस्ट मंकी चिंपैंजी द्वारा खाए गए थे, जिससे उसके शरीर में ये वायरस पहुंच गया, जहां इनके संयुक्त होने से निर्मित हाइब्रिड वायरस जब मनुष्य में ट्रांसफ़र हुआ तो वह HIV-1 बना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुरानी दुनिया के मैंड्रिल बंदरों के कैनाइन दांत काफ़ी लंबे होते थे, शेर के दांतों से भी लंबे। इसका उपयोग वे स्वयं की रक्षा के लिए करते थे। दोस्तों, हाल ही में बंदर की एक प्रजाति बर्नी स्नीजिंग मंकी खोजी गई है। इस बंदर की खासियत यह है कि जब भी बारिश होती है यह छींकने लगता है। नई दुनिया के बंदरों में सबसे आम और सबसे बुद्धिमान कैपुचिन बंदर है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बंदरों के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और लाइक एंड शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।